भाई पलण सब तो वड्डा सी और सब तो वड्डा होने के नाते पर कोई बच्चा ना पैदा होया इस दे घर आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। इस तो छोटे भरा दे घर एक पुत्र होया जिसका नाम कपूरा रखिया कह दियो सतनाम श्री वाहेगुरु। उसका नाम कपूरा रखिया कपूरा 24 पिंडां दा मालक सी भाई कपूरा आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जिस वेले भाई कपूरा पैदा होया जन्म लिया इस गुरमुख ने उस दिन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज भाई भलण दे घर बैठे सी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। साडे घर शराबी बैठे हुंदे आ साडा तो हाल माड़ा ना जिन्हां नूं मालक ड्यूटी दिंदा आप भी हाजर हुंदा आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पहला ही पता लग जाए से भी काका होया टेलीफोन ते पुछदा भी केड़ी बुलाउणी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। हाल आ साडा बद तो बदतर हो गया गुरमुखो। खैर मैं उस पासे ना जावां। भाई कपूरे की उम्र 72 साल सी जदों धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कोट कपूरे गए कह दो सतनाम श्री वाहेगुरु। शरदा सी ऐसी गल नहीं मौत जड़ी है ना मौत तो सारे नु ही डर लगता गल्लां कर लेनिया बहुत सौखियां आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत औखा सतगुरु जी सिंघां दे नाल जद कोट कपूरे पहुंचे ते कपूरे नु सुनेहा भेजिया पातशाह कहण लगे चौधरी थोड़े दिन लई सानूं अपना किला दे दे असीं दुष्टां दा नाश करना आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। चौधरी कपूरा घबरा गया चौधरी कपूरा घबरा के सतगुरु जी नूं कहण लगा अपने तां किले बर्बाद करा ले अपने पुत्र मरवा ले हुण मैनू भी मरवाउणा चाहुणा आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ध्यान देना जी जरा हुण मेरा परिवार भी मरवाउणा चाहुणा जे दुष्टां दा वध करना सी उत्थे चा दो हाथ होर कर लेने सी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गहरी चोट लगी पातशाह जी दे हिरदे च मित्र धोखा दे जाए महापुरश एक बार बेनती की थी बाबा जी मित्र की हुंदा संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज कहन लगे मित्र मित्र नूं कहे के आ चलिए अगर अग्यों मित्र पुछदा के किथे नूं फिर कोई पक्की मित्रता नहीं मित्र नूं इन्ना भरोसा होवे कि जिथे लैके जाएगा मेरा भला आ आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। की कहंदे पातशाह जिस दा मित्र सतगुर होवे ओ सुल्तान कहावे जी मित्र सतगुर होवे ओ सुल्तान कहावे जी जिसका 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 मित्र सतगुर होवे ओ सुल्तान कहावे जी। कहंदे जिसदा मित्र सतगुर होवे ओ ते सुल्तान हुंदा शहनशाह हुंदा
एक जॉन फोस्टर होया, मैं जानदा जानदा एक विचार दे दिया। गढ़वाल दे इलाके च जा रहा सी, अंग्रेज सी अफसर लगा होया, उसने देखिया दो सिंह सजे तजे घोड़ सवार उसके अगे जा रहे सी। इसनों बड़ा वधिया लगा, ये अपनी मस्ती विच दोनों घोड़ सवार जा रहे सी सिंह। जॉन फोस्टर ने इन्हां नाल गल करनी चाही, पर ये अपनी उस मौज विच धुन विच तुरे जा रहे सी। जॉन फोस्टर की इच्छा हुई कि मैं बराबर ते हो के गल करां। बराबर ते आ के जद उन्हां वालों देखिया ते पुछण लगा, तुहाडा राजा कौन? आखो सतनाम। सिंह कहिंदे साडा कोई राजा नहीं। आखो सतनाम। साडा कोई राजा नहीं, असीं एक दे अधीन आ, अकाल पुरख दे आ। आखो सतनाम। ये जॉन फोस्टर अपने नोट्स विच लिखदा कहिंदे मेरा दिल करे मैं भी खालसा सज जावां, दिल करे कि मैं इन्हां दे शरीर दे विच वड़ के ना एक बारी अपनी इच्छा पूरी कर लां। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कदे कदे खालसे दा रुतबा, कदे कदे खालसे दी ओ नुहार एदां दी सी। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। न्यारा है ना पातशाह कहंदे, न्यारा है। मैं बोधन भी बेनती कीती सी, ईरखा तो कितने न्यारा हो जाए, लोभ तो न्यारा हो जाए, हंकार तो न्यारा हो जाए, कपड़े पाउणा तो नहीं न्यारा हुंदा। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। वर्दी भी न्यारी है ऐसी कोई गल नहीं, पर न्यारा तो होना सी गुणा करके। गुणी निधान खालसा। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुणा भरपूर है उसका खालसा, बेनती करा। आओ तो पढ़े एक पंक्ति। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी लिखते ने, जजन भजन मम खालसा, खालसा पूज योग, जजन मम खालसा, खालसा पूज जजन भजन मन खालसा, खालसा पुज योग, जजन भजन मन खालसा, खालसा पुज योग। सतगुरु जी कहिंदे जजन भजन मम खालसा, मेरा खालसा नाम सिमरन नाल रत्या होया। जजन भजन भरपूर। आखो सतनाम। खालसा पूज वे योग। एक बारी कह दियो सतनाम। मेरा खालसा पूजन योग। ये धन गुरु कलगीधर पातशाह कहिंदे कितने ऐसा खालसा मिल जाए ना उसके चरणों ते लेट जाना हो गुरमुखो। आखो सतनाम। हैण विरले ना ही कने फैल फकर संसार। मेरे मालक ने जब सुनिया ना भाई कपूरे नू कहिंदे चौधरी गुरु नानक दा घर तैनू वडियाई देना चाहुंदा सी, साडा तां अकाल पुरख रखा आ। बख्शे वडियाईआं जी सिखां दे भाग ने मंदे, आईआं जी सिखां दे भाग ने मंदे, बख्शे वडियाईआं जी सिखां दे भाग ने मंदे, बख्शे वडियाईआं जी सिखां दे भाग ने मंदे, बख्शे वडियाईआं जी सिखां
पावन मंदे सबसे बढ़िया सिखाते पावन मंदे 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 बख्शे वडियाईयां जी सिखां दे भाग ने 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 मंदे ओ चौधरी साडा ते अकाल पुरख राखा असीं तेरे को रहण नहीं आए बहुत गहरी चोट लगी कदे कदे सतगुर दे जीवन वल देखदा उस ही आनंदपुर विचों एक एक करके छड़दे गए पातशाह फिर भी चढ़दी कला च रहे भाई महां सिंह वर्गे छड़ के चले गए फिर भी चढ़दी कला च रहे सोचिया सी चौधरी कपूरा श्रद्धालू आ इस करके मालक उस पासे नू मालवे दी धरती नू निकले सी जदों ये बचन फिक्के बोले एक गहरी चोट लगी पातशाह दे हिरदे च उथों चल पे ने उथों 5 किलोमीटर ते एक नगर ढिलमा है उथे नू चल पे औखी काटी ते मुश्किल पैंदा मंजिल प्यारियां दी काटी ते बिखड़ा पैंदा मंजिल प्यारियां दी औखी काटी ते बिखड़ा पैंदा मंजिल प्यारियां दी औखी काटी ते बिखड़ा पैंदा मंजिल प्यारियां दी उथे नू चल पैने पर गहरी चोट लगी ध्यान देना जी औखे वेले कोई साथ दिंदा आखो सदना श्री वाहिगुरु गालड़ी तो बहुत मिल जांदे ने असल साडा स्विच जेड़ा ना दूजियां दे हाथ आ फर्क सिर्फ इन्ना ही है गुरमुखां दा वो अपना स्विच दूजे दे हाथ नहीं देंदे जे दूजा कह दिंदा ना तुसी तो बड़े महान हो ये पटना आ जांदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जे कोई कह रहा है तुहाडे वर्गा मनहूस कोई बंदा नहीं ते सड़के सवाह होया हुंदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु दूजे दे हाथ स्विच दिता है अपना अपना स्विच अपने हाथ रखोगे तुहानू संसार दी असली मूरत पता लग जाएगी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सुनना जरा मेरे पातशाह ढिलमा नगर नू चल पे ने यह सोडी कौल दा नगर है सोडी कौल दा नगर है पर यह जमीन जड़ी सी ये भी चौधरी कपूरे ने दिती सी सोडी कौल ने इत्थे नगर वसाया सी पातशाह जी उत्थे चल गए बेनती कीती सोडी कौल ने दाता जी साढ़े पास कुछ देर ठहरो ते नाल ही बेनती कीती है जिहड़े नीले वस्त्र ने इन्हां नूं उतार दिओ ते सफेद वस्त्र पहन लो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु मौज मालक दी एक एक लीर करी जांदे ने सतगुर भाई मान सिंह जी ने अपनी दस्तार ते एक नीले कपड़े दी जिहड़ी लीर सी बन लई ते सतगुर कहन लगे तेरा पंथ भी एवं ही चलेगा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਪਰ ਡਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਲ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਇਸਨੇ ਅਤੇ ਚੋਲਾ ਲੰਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਉੱਭਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਧੂੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਰ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਚੌਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਆ। ਆਹਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲ ਕਾਹਦਾ, ਛੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਛਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਊ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ, 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 ਇੱਛਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਊ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ। ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਗਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਬੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਕੌਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾ ਚੌਧਰੀ,
अमृत खंडे वाटे दा शकला बख्शा जाएगा आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। मैं तुहानू भी बेनती करना चाहना, दिन सिर्फ नौ रह गए, आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। सिर्फ नौ दिन बाकी रह गए तेई दिन जो तकरीबन, तुसी भी गुरु वाले बन जाओ, बख्शे जाओगे। तुसी कहंदे हो ना कि घर वाली कहंदी मैं नहीं छकना, तुसी कड़े कठे जमे सी, लेखा तो आपो अपना होना, तुसी छक लो। बीबीओ मैं तुहानू भी बेनती करदा, जे तुसी ये बहाना बनाउणा ना जी सरदार जी नहीं छकदे, ना छकन, लेखा नाल तां नहीं इन्हां ने देना, तुसी अपना लेखा देना, इन्हां ने अपना लेखा देना। तुसी खंडे बाटे दा अमृत छक लो, बाकी देखी जाऊ ये छकन इन्हां दे भाग, ना छकन इन्हां दे भाग। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मन बनाओ, बगावत कर जाओ सच ले झूठ ले भी तो बाकी होंगे ही हो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुर दे चरण विच, शरण विच आउण लई सब कुछ वार दे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सब कुछ वार दे सतगुर लई, ओ गुरमुखा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आ मेरे मालिक कहंदे चौधरी तू कहंदा सी ना आनंदपुर साहिब उजड़ जा, उजाड़ उजड़ गया। ओ चौधरी रहू आनंदपुर वसदा, युग युग वसदा, युग युग हसदा, रहू आनंदपुर वसदा, युग युग हसदा, युग युग वसदा, रहू आनंदपुर वसदा, युग युग हसदा, युग युग हसदा, रहू आनंदपुर वसदा, युग युग हसदा, युग युग वसदा, रहू आनंदपुर वसदा, युग युग हसदा, युग युग वसदा, रहू आनंदपुर वसदा, युग युग हसदा, युग युग वसदा। पातशाह कहन लगे चौधरी कोई जगह दस जिथे असी दो हाथ करिए। पातशाह जी युद्ध नहीं होना चाहिए, असल जी अंदरों इच्छा सी मालिक नूं कुछ हो ना जाए। आखो सतनाम रब दे प्यारियां दी ते ही इच्छा हुंदी है भले लई, उह ते पापी नूं भी पावन बनाउणा चाहुंदे ने ते दया दे सागर हुंदे ने सतगुर तां, उह ते सरबत दा भला मंगदे ने, सरबत दा भला लोचदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहिंदे चौधरी को ऐसी जगह दस, पातशाह जी नूं पता सी फौजां पिछा कर रहीआं जिथे दो हथ कर सकीए। कहिंदे महाराज ये नहीं होना चाहिए, मुगल बड़े जालम ने। सतगुर कहिंदे चौधरी तू बार बार कहिंदा मुगलां तो डरदा क्यों आ? नहीं महाराज ये बुरी मौत मार देने। पर मालिक कहन लगे कहंदे चौधरी कपूरा मुगलां दा कतूरा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इन्ना डरदा जा मेरे साडे नाल किसे नूं भेज, अपने भतीजे खाना बराड़ नूं नाल भेजिया। अज कल जिथे तुसी श्री मुक्तसर साहिब कहंदे हो, जिथे सतगुर दी चरण पै जांदे ना शो हो जांदी आ, रेत दी ढेरी नूं मुक्तसर साहिब बना दिंदा सतगुरु। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर बेनती सुननी, तुहाडा जीवन तां कुछ भी नहीं, रेत दी ढेरी नूं टिब्बे नूं जिथे मालक ने चरण शो बख्श दित्ती श्री मुक्तसर साहिब बना दिता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तू आ तो सही सतगुर दे पास, देख तो सही जीवन के हो जा, जिन्ना ने सिदक तेरे ते रखिया,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਏ ਸਿਦਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਏ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਲੀਆਂ ਮਲਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਆਇਆ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਲੀਆਂ ਮਲਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਆਇਆ ਏ ਸਿਦਕ ਨਾ ਆਇਆ ਖਾਨਾ ਬਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਵਾਬ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰਾ ਇਕੱਲਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਦ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਕ ਜਾਓ ਰੁੱਕ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਬੜਾ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਿਆਲਾ ਲਾਓ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਨਫਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਨਫਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਨਫਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ ਚੜ ਗਏ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਪਿਛਾਨੂੰ ਰਹੇ ਚੜ ਗਏ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਪਿਛਾਨੂੰ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਨਫਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਨਫਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ।